हिंदू राष्ट्र से कल्याण नहीं, हमें राम राज्य की जरूरत है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का ये बड़ा बयान सामने आया है। ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया है। उनको कहना है कि हमें हिंदू राष्ट्र की नहीं, राम राज्य की जरूरत है। हिंदू राष्ट्र की मांग के बीच उनका ये बयान काफी बड़ा माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज हिंदू राष्ट्र की नहीं बल्कि राम राज्य की जरूरत है। ज्योतिष सरस्वती का कहना है कि हिंदू राष्ट्र से हमारा कल्याण नहीं होगा, हमें राम राज्य की आवश्यकता है। इसके साथ ही उनका मानना है कि धर्म निरपेक्ष राष्ट्र से लोगों का मोह भंग होता नजर आ रहा है। फिलहाल हो रही ध्रुवीकरण की राजनीति में हिंदू राष्ट्र की मांग करना सही नहीं होगा। शंकराचार्य के मुताबिक भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक हिंदुओं को अपने धर्म के बारे में पढ़ने का अधिकार नहीं मिला है, जबकि अब अल्पसंख्यक के पास पूरा अधिकार है। वो स्कूलों में अपने धर्म के बारे में जानकारी दे सकते हैं। हिंदू राष्ट्र मतलब हिंदुओं की गोलबंदी। सुनिए, शब्द लेख्या क्या होती है कि हम लोगों के यहाँ राजनीति है और राजनीति में गोलबंदी, मतलब गोलबंदी ही राजनीति है। बीच में लाइन खींच दी जाती है और हमारी गोल में है कि नहीं है यही देखा जाता है कि ये व्यक्ति हमारी गोल में है कि नहीं है। हमारी गोल में है तो बिल्कुल अच्छा है चाहे कैसा भी हो, और अगर हमारी गोल में नहीं है तो बहुत खराब है चाहे कैसा भी। ये एक व्यवहार का तरीका हम लोगों ने बना रखा है। तो ऐसी परिस्थिति में जब देश में गोलबंदी ही राजनीति के रूप में ख्यात हो गई हो, राजनीति शब्द जो है वो बहुत ऊंचा है। हमारे यहाँ नीति शब्द बहुत ऊंचा है, धर्म के समान है, और राजनीति माने राजा के द्वारा पालन की जाने वाली नीति। तो अगर जो राजनीति शब्द हमारा है, जो उसको महाभारत में प्रयोग किया गया है, जिसको रामायण में प्रयोग किया गया है, अगर वो राजनीति का शब्द हो तो अलग बात। आजकल तो वो राजनीति है नहीं, आज तो गोलबंदी है, ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं। तो ये जो गोलबंदी वाली राजनीति है, इसमें आप एक शब्द लेकर आते हैं कि हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदुओं की गोलबंदी। अब हिंदू हिंदू के नाम पे गोलबंदी होगी, और गोलबंदी होगी तो स्वाभाविक है कि जो हिंदू नहीं होगा उसके साथ परायेपन का व्यवहार हो जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम इस विचार को जब करते हैं तो हमको रोमांच हो जाता है, सिहर उठता है मन, क्योंकि हम लोग इस तरह से व्यवहार नहीं करते। हमारे यहाँ ये माना गया है कि राजा के लिए जितनी भी प्रजा है वो सब उसके औरस पुत्र जैसी होनी चाहिए, कि मेरे बच्चे हैं ये। और हमारे यहाँ के राजाओं ने इसी आदर्श का पालन किया है, सबको अपना बच्चा समझ करके सबके योगक्षेम का ख्याल किया है उन्होंने। सबका कल्याण कैसे हो, विश्व का कल्याण हो, हम लोग अभी भी नारा लगा रहे हैं। हमारे आचार्यों ने, हमारे राजाओं ने इस आदर्श को स्थापित किया है। तो जब गोलबंदी होगी तो ये नहीं हो सकेगा। तो इसीलिए हमारा ये कहना है कि हिंदू राष्ट्र से क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे जिस लक्ष्य को हमारे पूर्वजों ने प्राप्त किया था और जिसकी हम सदा से कामना करते हैं? शायद नहीं, क्योंकि गोलबंदी का जमाना है, हिंदू के नाम पे गोलबंदी हो जाएगी। जो ये कह देगा कि मैं हिंदू नहीं हूं उसके साथ परायेपन का व्यवहार हो जाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अगर क्या होता